एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो किसी से भी आपका ट्रांसप्लांट करे, चाहे वो इम्प्लांटर मैन हो चाहे फोर्सेप टेक्निक हो, किसी से भी आपका ट्रांसप्लांट करे बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट आपका दोनों में ही अच्छा आएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। मैंने एक पोस्ट करी थी क्यू एन ए के रिगार्डिंग, सो काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, और इवन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूँ इस वीडियो में, और जितने भी आप लोगों के डाउट्स है वो सारे क्लियर करने की कोशिश मैं करूंगा। So, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विनय कुमार जी का कि पीआरपी कितनी नीड्स होती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कितनी पीआरपी की नीड होती है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, अगर किसी की हेयर थिनिंग है और हेयर थिनिंग एक्सेस अमाउंट में है तो हो सकता है कि उसको ज्यादा पीआरपी की नीड्स हो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर किसी की हेयर थिनिंग नहीं है और आपका डोनर एरिया हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है, और फ्रंटल हेयर लॉस हुआ है लगभग, जैसे मेरा था 1500 2000 2500 ग्राफ के आसपास, और बालों की क्वालिटी अच्छी है, तो उस कंडीशन में शायद दो पीआरपी इनफ है, ज़्यादा पीआरपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने भी अब तक सिर्फ दो पीआरपी ली है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर कि डिपेंड करता है कि कंडीशन टू कंडीशन, कि किसके बालों की कंडीशन कैसी है तो इस चीज़ पे, और किसका बॉल्डनेस किस लेवल का है इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमें कितनी पीआरपी लेनी है। सो अगला क्वेश्चन है सागर का, आई हैव अ ग्रे हेयर एंड डैंड्रफ प्रॉब्लम, कैन आई गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो बिल्कुल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन लास्ट टाइम जब मैं मनीष के साथ पीआरपी करवाने गया था, तो वहाँ पर एक काफ़ी केस थी उन पेशेंट की, इवन मैं बताऊँ लगभग 55 प्लस थे वो पेशेंट। अपने अपने शौक होते हैं, देखिए कि वो तो मर्जी है कि कोई भी पेशेंट किसी भी एज में ट्रांसप्लांट कराए, अगर कोई एफोर्ड कर सकता है और हेल्दी है फिट है और उसको शौक है तो वो करवा सकते हैं। तो एक वहाँ पर पेशेंट थे जो 55 प्लस थे और उनके वाइट हेयर्स थे, पूरे हेयर वाइट थे, लेकिन उनका तो भी ट्रांसप्लांट हुआ और बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट उनका हुआ था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके ग्रे हेयर है या डैंड्रफ प्रॉब्लम है। इवन मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम थी और इवन अभी भी है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नूर अख्तर का कि सौरभ भाई 20 साल एज है, हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं 20 साल की एज में हेयर ट्रांसप्लांट। इवन बहुत सारे लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है 20 साल की उम्र में, आप बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं अगर आपकी कंडीशन हेयर ट्रांसप्लांट की है। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट मत करवाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कंडीशन ट्रांसप्लांट के लायक है तो तब आप ट्रांसप्लांट बिल्कुल करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिल वर्मा जी का, क्या स्मोकिंग इफेक्ट डालती है हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मोकिंग इफेक्ट नहीं डालती है हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में। आज की डेट में ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते ही हैं, देखो फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग स्मोकिंग ड्रिंक वगैरह करते ही हैं, तो ये चीज़ इफेक्ट नहीं डालती है उनके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में। अगला क्वेश्चन है संकेत यादव जी का कि भाई क्या आपके बाल पहले की तरह हो गए हैं जैसे 16 17 18 साल की एज में थे। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाता रहता हूं कि जैसे बाल मेरे पहले थे सेम वैसे ही मेरा लुक आ चुका है। एज तो बढ़ेगी तो एक एज फैक्टर आता है, लेकिन बालों की अगर मैं कंडीशन बोलूं तो बाल मेरे बिल्कुल जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं, और बहुत अच्छी बालों की मेरी कंडीशन है। मैं आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर करते रहता हूं और जल्दी एक साल का रिजल्ट भी शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन है अमरेश कुमार का कि आपका खर्चा कितना आया है, कितने रुपए आपने क्लिनिक को दिए हैं ट्रांसप्लांट करवाने के। तो मैं बता दूं कि मेरा जो खर्चा आया है वो 35,000 आया है, जिसमें एक हफ्ते की मेडिसिन इंक्लूड थी, इंक्लूडिंग मेडिसिन 1500 ग्राफ मेरे लगे थे। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन नहीं ली, तो उसके बाद मेरा कोई खर्चा जनरली आया नहीं, लेकिन मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट था इंक्लूडिंग वन वीक की जो मेडिसिन थी वो 35,000 थी। अगला क्वेश्चन है दर्श जी का कि सर FUE विद इम्प्लांटर पेन और FUE विद फोर्सेप, इसमें क्या फर्क होता है और रिजल्ट में इन दोनों टेक्निक से फर्क आता है। तो मैं बता दूं FUE विद इम्प्लांटर एंड फोर्सेप दोनों ही टूल्स है, बस फर्क इतना है कि एक पेन टाइप टूल से और एक जैसे हमारी चिमटी होती है उस तरीके का टूल है, जिस टेक्निक को फोर्सेप बोलते हैं, और इम्प्लांटर में पेन यूज होता है। देखिए, इसमें अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो किसी से भी आपका ट्रांसप्लांट करे, चाहे वो इम्प्लांटर पेन हो चाहे फोर्सेप टेक्निक हो, किसी से भी आपका ट्रांसप्लांट करे बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट आपका दोनों में ही अच्छा आएगा। सो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है राधा विश्वकर्मा, भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने से आपके जैसे बाल आ जाएंगे। भाई क्या पता मेरे से भी अच्छे हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपनी नेचुरल हेयर लाइन पे जाना है कि जो आप लोगों पे सूट करे। हो सकता है ये हेयर लाइन मेरे पे सूट कर रही है लेकिन औरों पे ना करे, जैसी हेयर लाइन मेरी डिजाइन हुई है। क्यों? क्योंकि ये मेरे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन हुई है। ऐसे ही हो सकता है जो हेयर लाइन किसी और पे सूट करती है वो मुझ पे सूट ना करे। तो हमें अपने फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर लाइन डिजाइन हमारी की जाती है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपका रिजल्ट आ सकता है
मेरे जैसे बाल आ सकते हैं बिल्कुल। सर हेयर में व्हाइट बल्ब क्यों होता है जब हेयर फॉल होता है? तो देखिए वो व्हाइट बल्ब ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़ने पे जाएंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये इवन पूरी जो हेयर साइकिल है, जो हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है, उसी का एक पार्ट है कि वो डेड टिश्यूज है, आपका हेयर गिर गया है ठीक है, उसमें व्हाइट बल्ब आ रहा है, दोबारा ये साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है, जो आपकी हेयर ग्रोथ की साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इवन होता है कि बाल गिरते हैं तो उसमें व्हाइट बल्ब दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नॉर्मल है ये प्रोसेस है जो आप ही के नहीं सभी के साथ होता है। सो अगला क्वेश्चन है मंटू कुमार का, भाई हेयर ट्रांसप्लांट EMI में करवा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप EMI में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धीरेन्द्र हाडा जी का कि भाई मेरा हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करूं? तो देखिए कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशन आती है, आप लोग डॉक्टर को कंसल्ट करिए और मेडिकेशन लीजिए जो आपको सही लगती है, अपने अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आपके लिए सही है, तो हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है ठीक है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो इट्स ओके, उसको उसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर को दिखाओ, मेडिसिन लो, ये वो, नॉर्मल हो रहा है तो। अगर हाँ आपको लगता है कि बॉल्डनेस की तरफ बढ़ जाऊंगा, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो तब डॉक्टर पे कंसल्ट कीजिए। अमित मेहरा जी है, इन्होंने कहा है कि आपसे बात करनी है, तो देखिए मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेरी दी गई है, आप मैसेज करेंगे मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, इवन मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ जितने भी मेरे से बात करते हैं इंस्टा में, तो बिल्कुल मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। अगला क्वेश्चन है आदम खान सौदागर, भाई अपना रिजल्ट धूप में दिखाओ। बिल्कुल मैं अब एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जल्द से जल्द, जिसमें मैं अपना रिजल्ट धूप में दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन है विवेक जी का कि विच इज नेचुरल DHT ब्लॉकर फूड? तो देखिए कि बहुत सारे जो फूड हाई इन जिंक है वो नेचुरल DHT ब्लॉकर करने में थोड़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एलमंड हो गया, एवोकाडो हो गया, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरीज, पोमीग्रेनेट, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये ले सकते हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कवर किए, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में, अगली Q&A की वीडियो में कवर करूंगा। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं अपना 1 साल का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।